सबसे सैड मोमेंट जब मॉम और डैड ऑफ हो गए थे, तो हम लोग, मैं और दीदी बहुत छोटे थे, हमको पता ही नहीं था कि हम कहाँ पर जा रहे। पापा मतलब क्या यही नहीं पता मुझे। मुझे बहुत डर लगता था, मैं बहुत रोती भी थी और बहुत ज़्यादा प्रे करती थी अपने लिए। मैं और मेरा भाई दोनों ही प्रेरणा एनजीओ में ही है बचपन से। प्रेरणा ये रेड लाइट एरिया के ऊपर काम करती है। मेरा नाम दीपक है और मैं अपने नाम के साथ कोई सरनेम नहीं ऐड करता हूँ, क्योंकि बचपन से चिल्ड्रन होम में रहा हूँ तो मेरे को सरनेम नहीं पता। I came to the end care in 2002. My full name is Pooja Carol George, but I prefer to be as Pooja Udayan for the rest of my life. जब मैं प्रेरणा से निकली हूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे एक्चुअल में निकलने का नहीं था, क्योंकि बाहर की दुनिया कैसा है क्या है मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन तो भी नियम है वो रूल है, तो मैं निकल गई। उस समय मेरे पास कुछ रहने का जगह नहीं था और कपड़े और सारी चीज़ें नहीं थी मेरे पास, बस एक छोटा बैग था जिसमें मेरे दो जोड़ी कपड़े थे और ब्रश और तौलिया था मैम। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम बाहर की सोसाइटी से एकदम अलग होते हैं। हमें नहीं पता होता कैसे हमें लेना है कोई चीज़, हमें बैंकिंग का नहीं, किसी भी चीज़ के बारे में इतना अच्छे से हमें पता नहीं होता। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे बाहर आके ही, और गवर्नमेंट्स की बहुत सारी स्कीम्स हैं, उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, जो स्कीम्स हैं उसमें इसलिए हम नहीं आ सकते मैम, क्योंकि काफ़ी सारी स्कीम में फैमिली इनकम होता है, तो हमारी फैमिली नहीं है तो इस वजह से फैमिली इनकम सर्टिफिकेट बनता नहीं है। नहीं गुस्सा नहीं मैम, बट फिर भी एक कुछ आइडिया ही नहीं है डैड मॉम, इसलिए मिले पता ही इंटरेस्ट ही नहीं हूँ मैं एक्चुअली, मुझे उनसे बात। जब लॉकडाउन लगा तो हम सबको समझ नहीं आया कि अब हमें क्या करना है, हम फिर से दोबारा ग्राउंड जीरो पे आ गए थे और हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। केयर लीवर नेटवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट के बच्चे सारे एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। I think the collective voice of the care leavers across the country can bring in so much support for different care leavers who do not know anything about their rights, who do not know that some kind of this thing can be initiated for their benefits. तो minority में मैम हमें consider नहीं किया जाता है और ना EWS category में भी हम नहीं आ पाते, क्योंकि हमारे पास वो भी certificate नहीं होते हैं, तो हम ये government के सामने भी अपनी आप बात रखेंगे मैम। कोशिश है कि हम अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाएं। कभी लाइफ में हर नहीं मानना चाहिए, मतलब हमने ठीक है मैं 10 बार गिरूंगी पर 11 या 12 बार तो मुझे उठने तो हो गए और मुझे चलना है। मतलब समुद्र में कितने भी बड़ा पत्थर डालेगा ना तो अपना रास्ता खुद बनाता है वो। जो अगर कुछ करना रहेगा तो खुद का रास्ता चॉइस करो और कभी भी दिल का सुनो, लोगों का अगर सुनेंगे तो आंसर गलत ही होगा। मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से एक मास्टर्स करना चाहता हूँ कुकिंग में, और मैं चाहता हूँ कि मैम मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ इंटरनेशनल लेवल पे एज अ शेफ मैम। सो आई हैव बीन वर्किंग विद जनपैक फॉर द पास्ट 5 years एंड डे बिफोर यस्टरडे ओनली आई हैव रिजाइन। आई विल बी स्टडीइंग एमएससी डेवलपमेंट स्टडीज फ्रॉम द स्वास यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन।